काम कर, किस तरीके से, किस निजाम के तहत जो मख्फी हैं, जिनको आप लाइट लेते हैं कि नहीं इस काम करने से गुनाह नहीं मिलता, या वो कहते हैं कुछ अफराद हैं कि जी ये छोटी सी हमने जो है वो बदी की है तो इससे छोटी सी जो है वो गुनाह मिलेगा, नहीं इस तरह नहीं, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको समझना है, इनको अपने सामने लाना है, इनको खोलना है। जब ये चीज़ें खुलेंगी, जब ये बास्केट खुलेगी, बात को रखते हैं जारी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक सवाल पूछना था जी। पूछे जी। हेलो जी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे ये सवाल पूछना था जी कि हमारे जैसे शादी ब्याह होते हैं घरों में, बहुत करीबी रिश्तेदार होते जी, जिनसे हम, जैसे आपने ये कहा कि ये गुनाह है जी, ये शादी ब्याह में जो रस्म रिवाज हो जाते हैं, अच्छा चले हम तो इस चीज को समझते हैं, लेकिन आप जो हमारे रिश्तेदार हैं, नजदीकी रिश्तेदार, उनकी शादी में आप जा रहे हैं जी, और आप बोल नहीं सकते हैं, आप मतलब ये है कि अगर आप एक तरफ हो के बैठ भी जाते हैं तो क्या हम उस गुनाह में शामिल होंगे? देखिए जी, ये तो बड़ी एक सीधी सी बात है, जो मजहबी अहकामात के खिलाफ चीज़ों में जो जो इन्वॉल्व होगा वो उसके साथ चलता रहेगा। अच्छा सर, ये कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप रिश्तेदारों से कट जाते हैं जी, तो ये भी एक जो है, आप बिल्कुल एक तरफ अपनी जो बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो भी नहीं पहुंचा सकेंगे और रिश्तेदारों से दूरी भी हो जाएगी। कम से कम इतना तो आप करें कि आप अपना पैगाम तो पहुंचा दें कि आप वहाँ बैठना जी, जी। एक साइड पे हो के अगर मैं पर्दा करती हूँ या हिजाब करती हूँ और वो लोग जो है मतलब नहीं पर्दे को कायल ही नहीं है पर्दे के जी, जी। तो वो ये चाहते हैं कि आप उस महफिल में भी आए और बोले भी नहीं और एक साइड पे होके बैठे, फिर इसका क्या हल हो सकता है? या तो उन महफिलों में जाना ही बंद कर दें जी, छोड़ दें। नहीं देखिए, उन महफिलों में जाने से, बंद करने से नहीं मामला हल होता, बल्कि उन महफिलों में जाएं और आप का जो एक पैटर्न है, अगर पॉजिटिव पैटर्न है, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि हिजाब वाला पैटर्न है, तो इस पैटर्न के इंस्पायरेशन से हो सकता है कुछ लोग जो है वो आपकी तरफ रुजू करें, और ये एक वार है, मैंने आपको बोला ना कि ये वार है, कुछ लोग इस जंग के अंदर आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग इस जंग का आगाज करते हैं और कुछ लोग इस जंग को जीत भी जाते हैं, ये भी जहन में रखेंगे। तो आपका जो एक स्कूल ऑफ थॉट है ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट को लेकर अगर आप किसी महफिल में, शादी ब्याह में जाते हैं और अपने उसी अहकाम को जो मज़हब के खिलाफ ना हो उसके ऊपर आप कायम रहती हैं, तो आप देखिएगा कि रब की ज़ात आपकी ज़रूर मदद करेगी जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत सर हमारे, नहीं जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, एक और हवाले से, आपके प्रोग्राम के हवाले से तो बहुत अलग हो जाएगा ये सवाल, लेकिन इस दफ़ा अब इस वक्त जो मुझे एक सवाल जो परेशान कर रहे हैं सर, हमारी जो आने वाली नस्लें जी, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं जी जी जी, इनके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। आप यकीन करें कि रातों की नींद उड़ी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल, बहुत हाई स्कूल जो एजुकेशन हो रही है, और मैं सोचती हूँ कि हमारे बच्चे जो जो तालीम हो रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो तालीम जो हमारे दीन के हिसाब से अखलाकी तौर पे हम बहुत ख़राब होंगे जी, हमारे बच्चे जो हैं वो अखलाकी तौर पे वो चीज़ नहीं रही है जो होने चाहिए थे। इस पे जी फिर किसी दिन बात करेंगे, ये मौजू से हट करें। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी, करेंगे इंशाल्लाह ताला जी, अस्सलाम वालेकुम जी। नाजरीन, तो बात हो रही थी किसकी, लफ्ज़ गुनाह के। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको बताना चाहता हूँ जिससे शायद हो सकता है कि आज के बाद आपका अमल जो है थोड़ा सा तब्दील हो जाए। अब कुछ अफराद ऐसे हैं कि अपना सामान या अपनी चीज़ें या अपनी अशिया को बेचने के लिए लफ्ज़ झूठ का सहारा लेते हैं कि जी ये बड़ा शानदार आइटम है, ये बड़ा शानदार कपड़ा है, ये बड़ी शानदार फलां चीज़ है, ये ऐसे है, ये ऐसे, जबकि उसके अंदर जितने भी ऐब हैं, उसके अंदर जितनी भी खामियाँ हैं, ये उस शॉपकीपर को या उस इंडस्ट्रियलिस्ट को या उस मैन्युफैक्चरर को पता होती हैं। अब यहाँ पर भी ये आगाज़ उसने कर दिया किस चीज़ से, झूठ से। अब झूठ से जब किया है तो उस रोज़ी के अंदर बरकत नहीं होगी सारी उम्र। रखते हैं बात को जारी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम
अच्छा ये सुनिए अफजल भाई, के बू अली सीना से किसी ने पूछा जी कि भाई दिन कैसे गुजर रहे हैं, तो रो पड़े और कहने लगे कि अल्लाह की रहमतें इस गुनाहगार के बावजूद लगातार मुझ पे बरस रही है। अल्लाह अकबर। जी जी। और ये फिर आगे कहने लगे कि समझ में मुझे नहीं आता कि मैं किस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, कसरत नेमत पर या अपने गुनाहों और ऐबों की पर्दापोशी पर। जी जी। तो बस यू हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अबू अली सीना का भी एक अपना ही मुकाम और एक अपनी उनके फिलॉसफी थी लाइफ के मुतल्लिक, और आप देखेंगे कितनी प्यारी उन्होंने बात बोली, अपने आप को किस दर्जे पर रखा, क्योंकि ये एक एक कदम पर, एक एक, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक एक सांस में ये लफ्ज़ हमारे साथ है, जहाँ ज़रा सा अहकाम से हटे हम वहाँ पर हम इस लफ्ज़ के जेर आना शुरू हो जाएंगे, ये लफ्ज़ हमें खींच लेगा, ये पकड़ लेगा। और ये जो कहते हैं ना मिल गुना मिल जाता है, सॉरी किस तरीके से मिलता, कोई लेटर आता है या कोई ईमेल आती है या कोई एसएमएस के ज़रिए आता है, नहीं, ये अमाल अमल से ही रिलेटेड चीज़ है, एक मजमूआ है अमाल का, उसमें हालात इस तरह के बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कर मैं रहा हूँ गुना औलाद मुतासर होना शुरू हो जाएगी, कर मैं रहा हूँ गुना घर के अंदर बीमारी आना शुरू हो जाएगी, कर मैं रहा हूँ गुना, ये जहन में रखिएगा, मजहबी अहकामात के खिलाफ अमल मैं कर रहा हूँ, अब उसके असरात आप सुनते जाएं एक एक करके, रोज़ी आपकी दिन ब दिन ख़त्म होती जाएगी। अच्छा, रोज़ी के अंदर शैतानी असरात से वाफर मकदार में आपको बढ़ावा नज़र आएगा कि ये बढ़ रही है, लेकिन जब आप एंड डे ऑफ मंथ उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इल्म होगा कि ये तो टोटली खसारे की तरफ जा, ये किस वजह से, सिर्फ इस लफ्ज़ छोटे से गुनाह की वजह से, ये ऐसी चीज़ वक्ती तौर पे किसी को दबाने के लिए ये काम हम कर जाते हैं, किसी को मारने के लिए ये काम कर जाते हैं, या अपने आप को निकालने के लिए किसी को मार देते हैं, कोई झूठी गवाही दे दी, कोई सच्ची गवाही दे दी, ये काफ़ी सारी रिलेटेड चीज़ें हैं इस लफ्ज़ गुनाह से। अब ये जो है ना कि जी इस चीज़ का गुनाह मिलेगा इस चीज़ का नहीं मिलेगा, उस हर अमल का जो मजहबी अहकामात के खिलाफ है उसका गुना जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, इधर भी और उधर भी, दुनियावी हिसाब से भी, मैंने आपको बताया कि वो किस तरीके से मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप एक पॉजिटिव अमल कर रहे हैं, एक नेगेटिव अमल कर रहे हैं, एक तरफ नेकी की तरफ लगे हुए, एक तरफ गुनाह को भी क्रिएट करते जा रहे हैं वन बाई वन वन बाई, तो नेकी अपनी सफ़र पर चल रही है, गुनाह के जो असरात हैं ये आते जाएंगे। ये कभी भी तसव्वुर ना करिएगा कि इस गुनाह या उस नेकी का बैलेंस करके तो आप एग्जिट हो जाएंगे, नहीं, इस तरीके से नहीं, जो गुनाह है वो गुनाह ही है, जो अहकामात के खिलाफ मजहबी अहकामात के खिलाफ अमल है उसकी सज़ा जो है वो मिलनी मिलेगी, ख्वा वो सेहत के हिसाब से मिले, ख्वा वो तंगदस्ती के हवाले से मिले, ख्वा वो माशरे के अंदर आपको लोग निगलेक्ट करें, ख्वा वो माशरे में लोग आपको अच्छी नज़र से ना देखें, ये सब चीज़ किस में आती है, ये लफ्ज़ गुनाह के अंदर आता है, इतना छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन इसका असर देखें कि कितना पुरअसर चीज़ है, लेकिन हम कटते जाते हैं इससे वन बाई वन करके, हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, खैर यहाँ तक भी होता है जी काफ़ी सारे गुनाह इकट्ठे कर लो फिर एक ही दफ़ा हाजी उमरा करके उसको डिलीट कर लेंगे, ऐसा भी अमल नहीं है, ये भी जहन में रखिए, ये सिर्फ किताबी बातें हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो आपको सेफ रखती है, जो आपको बचा कर रखती है, वो क्या है, अपने आप को हर वक्त जब तस्लीम करते रहेंगे ना कि आप हैं ही गुनाह का, यानी हर वक्त कोई ना कोई अहकाम, मैं अगर थोड़ी सी डीपली इसकी विंडो खोलूँ ना तो हाथ धोने तक और रात को सोने तक ये सब चीज़ों के अंदर कितनी इन्वॉल्वमेंट है। हाथ धोने की दुआ मुझे नहीं याद, मैं बड़ी खुल के आपसे बात कर रहा हूँ, खाना खाने के बाद क्या कहना चाहिए, खाना खाने से पहले क्या कहना चाहिए, मुसाफा करने से क्या करना चाहिए, पहल किसको करनी चाहिए, निगाह की हद कहाँ तक होनी चाहिए, सतर क्या चीज़ होनी चाहिए, हकूकुल इबाद क्या होने चाहिए, हकूकुल्ला क्या होने चाहिए, ये सब चीज़ें को प्रॉपर हम कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं जब तक अंदर कैफियत नहीं वो पैदा करेंगे, जब तक अपने अंदर
वो दर्जा हरारत जो होती है ना, दर्जा हरारत, ये इतनी दर्जा हरारत, ये इतना दर्जा हरारत, ये इतना दर्जा हरारत, वो नहीं जब तक लाएंगे। जब वो दर्जा हरारत आएगी फिर आप देखें हर काम होते हैं। फिर अच्छे बच्चे भी बनेंगे, अच्छे बाप भी बनेंगे, अच्छे बेटे भी बनेंगे, अच्छे शोहर भी बनेंगे, अच्छे भाई भी बनेंगे, अच्छे ससुर भी बनेंगे। ये सब उस कैटेगरी में फिर आती है चीज़ें। बोले जज्बा कहाँ से लाएं, तो ये एक मार्केट है, वो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से जाकर लेकर आए जज्बा। ऐसा भी नहीं, ये जब स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हो जाएगा कि लफ्ज़ गुनाह से बचना है, और कोई भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा जांचिएगा, ये क्या कहीं मजहबी अहकाम के खिलाफ तो नहीं अमल कर रहा हूँ, कहीं उल्टे हाथ से तो नहीं पानी पी रहा हूँ। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब इंसान कितना याद रखे, ये भी बात एक उठती है। लेकिन जब अपनी लाइफ के अंदर इस लफ्ज़ गुनाह को इस तरीके से बना लेंगे कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, ममनुआ इलाका है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब आगे बढ़ेंगे आप, तो फिर कोई भी आपका अमल होगा उसके अंदर ये क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा कि यार ये गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ ये 180 की रफ्तार से है, क्या ये मजहबी अहकाम के खिलाफ तो नहीं? ये ज़रा समझिएगा इस बात को। इस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर इंसानियत की इसलाह होना शुरू होगी, इंसानियत की खिदमत करना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ तो कैटेगरीज हमने बना दी है ना, 8-10 चीज़ों को रिलेट कर दी है। झूठ बोलने से गुनाह मिलता है, बदकारी करने से गुनाह मिलता है, गइबत करने से गुनाह मिलता है, 6-7 और इकसाम है इनके करने से गुनाह मिलता है, ये हमने रजिस्टर्ड कर लिए हैं। और उसके अलावा जो गुनाह कर रहे हैं वो किसी खाते में नहीं है। क्यों? हमें पता ही नहीं कि गुनाह है क्या चीज़, और वो गुनाह हम करते जा रहे हैं, वो बढ़ाते जा रहे हैं उसको। और जब हम समझेंगे कि गुनाह है क्या, प्रॉपर गुनाह किसको कहते हैं, फिर आप देखें कि जो मज़हब के अहकाम के खिलाफ अमल है वो कौन कौन से हैं। वो तो एक नहीं है, वो तो कई सारे हैं। क्या उनके मुताबिक हम चल रहे हैं? तो अगर नहीं चल रहे तो फिर ये हम गुनाह में आ रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक जान के गुनाह करना, एक अनजान के गुनाह करना। अब जो अनजाने में गुनाह है, जिसका इल्म नहीं है, उसकी तो माफ़ी है। अब जब जान हो गई, शनाख्त हो गई, वाकफियत हो गई, फिर तो माफ़ी नहीं, फिर तो आप बोलें कि जी पकड़ है। देखें ना, एक लाइल्म आदमी, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर रोड टूटी हुई है, वो अपनी एक रफ्तार एक रिदम से आ रहा है, उसकी गाड़ी के एक्सल या उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो इनोसेंट है। उसको बचाने वाले काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। और एक शख्स वाकिफ है कि यहाँ पर ये चीज़ है ख़राब, और यहाँ पर अगर इस तरीके से मैं गुजरा तो यहाँ पर एक्सल भी टूट सकता है, बेयरिंग भी ख़राब हो सकते हैं, टायर भी निकल सकते हैं, और उसके बावजूद भी वो उस अपनी रफ्तार को नहीं कम कर रहा, वो उसी रफ्तार से चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? अब ये उस गुनाह को गुनाह कर रहा है, बढ़ा रहा है, मजीद वसत दे रहा है, ये चीज़ है सारे। तो ये इस नुक्ते को जब समझ लेंगे आप और मैं कि गुनाह कहते किसको है, फिर हमें अंदाज़ा होगा। हो सकता है कि हम कबीरा की स्टेज पर ना हो, अभी सगीरा की स्टेज पर, बड़े गुनाहों की तरफ अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम छोटे छोटे गुनाह